दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कुल मिलाकर के जो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन की बात लगातार करती जा रही थी, तस्वीरें सामने आती जा रही थी, और ये तस्वीर सामने हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए संजय जोशी का नाम आगे आ सकता है। तब भी कई बार चर्चा में हमने ये जिक्र किया था कि संजय जोशी का नाम लेने का मतलब यही है कि भाई या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से चैन से नहीं रहने देना, या फिर उनके सामने एक ऐसा लेवल सेट कर देना है कि उसके बाद में कुछ भी नीचे जो भी नाम दिया जाएगा उसको तो वो स्वीकार फिर कर ही लेंगे कि संजय जोशी नहीं, उसके बदले कोई भी। इसी तरह की तस्वीर अब सामने निकल के आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी, उन्होंने आज इस खबर को साझा भी किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका खास ध्यान इस खबर की तरफ इसलिए ले जाना चाह रही हूँ क्योंकि संजय जोशी के नाम की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में यूं ही नहीं है। कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर आपको आप क्लैरिटी दे दी जाए कि किस तरह से इस पे एक नया बदलाव जो है, एक नया मोड़ आ गया है। मैं सर को साथ जोड़ते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए इस चर्चा पर एक बार फिर से, और आपकी लगातार कड़ी नजर जो लगी संजय जोशी की एक्टिविटीज को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या मतलब संजय जोशी ऐसा नाम है कि जिनके नाम पर इस वक्त आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भी नाम पर फिर बार्गेन करने को तैयार है? अब जो नए नाम आ रहे हैं सामने वो भी दूसरे कैंप के ही हैं, कौन है आप खुद ही बता दीजिए। जी सर, देखिए विनीता जी, अगर आप देखें संजय जोशी का एक ऐसा नाम है जिससे मोदी शाह खेमे में हड़कंप मचा हुआ है जब से नाम आया है, और इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं कि इतना दबाव आरएसएस की तरफ से इन लोगों के ऊपर बन गया है कि अब ये किसी के ऊपर भी समझौता कर सकते हैं। इसमें एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, शायद पता नहीं इससे वो ढंग से जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, कि आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहां से आप मिठाई लेते हैं, और आप जो है आपके पास पैसे होते ही नहीं है, तो आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने आपको 500 रुपए दिए थे। तो आपका लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है कि तीसरा आ जाता है कि भैया दोनों की लड़ाई में मेरा मत भूल जाना, और जबकि दिया उसने भी कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना बन जाता है उसके ऊपर कि वहां कहता हाँ आपका तो याद है। अगर वो इसको भी मना कर देगा कि नहीं नहीं तूने भी नहीं दिया, तो वहां फिर दुकानदार का झूठा सिद्ध होना आसान हो जाएगा। तो ये आरएसएस की एक स्ट्रेटजी थी मुझे लगता है कि संजय जी का नाम आगे बढ़ा के और किसी तीसरे का नाम दे दिया जाए। हालांकि मैं इसको अभी फाइनल मान के नहीं चल रहा हूं, क्योंकि ये बुखार बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आरएसएस की एक रणनीति है कि इस तरह की चीजों को किया जाए। संजय जोशी का नाम आने के बाद में बहुत ज्यादा दबाव इन लोगों के ऊपर बन गया, और उस दबाव से बचने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से शिवराज चौहान के नाम की चर्चा चलाई, तो शिवराज चौहान के नाम पे आरएसएस ने सहमति नहीं दी और इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जब दोबारा चर्चा आई तो आरएसएस की तरफ से एक नाम आगे किया गया जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, वसुंधरा राजे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जग जाहिर है कि वो भी इस कैंप की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये लोग असहज नजर आते हैं और उस पे भी इनकी ओर से सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो 8 अक्टूबर को जो हरियाणा के नतीजे आएंगे, तब तक इतना प्रेशर आरएसएस इनके ऊपर बना चुकी होगी कि इन्हीं को 3-4 नामों के अंदर से ही एक किसी नाम पे सहमति इन लोगों को देनी पड़ेगी, और उसके बाद जो घमासान शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी में, उससे इनका बचना मुश्किल होगा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल के नजरिया को देखते हुए। हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो बनता जा रहा है जो आपको 8 तारीख के बाद दिखाई देगा। जी, तो इसमें यानी कि कुल मिलाकर के संजय जोशी का जो नाम है, ये बात तो तस्वीर साफ हो जाती है इस बात की, तो कि कम से कम वो तो अब उस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर में नहीं आ रहे हैं, उनके नाम से ये बार्गेनिंग की जा रही है कौन कौन आ सकता है, मतलब आरएसएस अपने पत्ते खेल। देखिए विनीता जी, नहीं देखिए विनीता जी, ऐसा नहीं है कि ये चर्चा चलने से संजय जोशी का नाम खारिज हो गया है और संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। उनमें तमाम खूबियां हैं, तमाम काबिलियत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं भी बनेंगे
तो वो राष्ट्रीय महासचिव बन जाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव वो पहले भी रहे हैं। इससे ये तय है कि संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री तय है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रही है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही मिलेगी या किसी दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा आज की डेट में ये थोड़ा सा संशय है। अब ये संशय भी आने वाले दिन में दूर हो जाएगा अगर इनकी तरफ से किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर सहमति बनती है तो संजय जोशी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के हो जाएंगे। तो संजय जोशी को तो आना ही आना है, संजय जोशी को कोई नहीं रोक रहा है। हाँ ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए तो महासचिव आ गए। संजय जोशी मतलब तय हो गया है, यानी आरएसएस इतनी मजबूत स्थिति में है इस वक्त कि नरेंद्र मोदी के सामने कंडीशन रख रही कि संजय जोशी पक्का आ जाएंगे। देखिए विनीता जी, अगर आप देख रहे हैं 4 जून के बाद जो नतीजे आए हैं, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस तो मजबूत है ही, अब तो विपक्ष भी मजबूत है। अब तो विपक्ष के दबाव में भी मोदी जी को अपने तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ये वही मोदी जी है कि जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर खीरी के मंत्री हैं तो उनको नहीं हटाया जाएगा, अगर ब्रजभूषण सिंह है कह दिया तो नहीं हटाया जाएगा, चाहे कितना भी दागी हो, चाहे कितने भी आरोप लगे, मोदी जी ने जो कह दिया तो कह दिया। आप याद करिए मोदी जी के स्टाइल को, नोटबंदी वाले को, मोदी जी ने जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी ये पूछने के लिए नहीं बुलाई थी कि मैं नोटबंदी करने जा रहा हूं, बताने के लिए बुलाई थी कि अगले आधे घंटे में मैं टीवी पे घोषणा करने जा रहा हूं कि देश में नोटबंदी हो गई है, इसलिए आपको पहले सूचना देने के लिए बुलाया, आधा घंटा आप लोगों के पास है। तो मोदी जी उस स्टाइल के नेता है। तो आज जो हालात जिसमें आप खड़े हैं वही मोदी जी हैं कि जिनको तमाम फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, तो दबाव तो उनके ऊपर बन चुका है। और आरएसएस में अगर इतना दबाव आरएसएस का ये लोग नहीं मानते और आरएसएस इस में नहीं होते तो नड्डा कभी मीटिंग में नहीं जाते आरएसएस। और आपको ये समझ लेना चाहिए आरएसएस के विषय में कि आरएसएस इन सबकी जिन्नी जन्नी है, जो ये लगभग 2 दर्जन संगठन आरएसएस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे तमाम इनके जो 2 दर्जन संगठन है वो सबकी बॉस है, तो उसके बिना कैसे आप कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का नैरेटिव पिछले 10 साल से चल रहा था वो समाप्त हो चुका है और अब आरएसएस की बात चलेगी ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये भी आप विनीता जी देखेगी ना कि आरएसएस भी समझ चुकी है कि मोदी के अंदर अब इतना दबदबा नहीं बचा है कि वो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। देखिए एलाइज जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र की सत्ता में चल रहे हैं, ये एलाइज कब तक टिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके सामने है बिहार का नमूना, बिहार में नीतीश कुमार का जिस तरह से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जिस प्रकार से तलखी चल रही है, शनिवार को नड्डा जी दोबारा जा रहे हैं, सितंबर के महीने में 2 बार नड्डा जी का पटना जाना जताता है कि स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा वहां लड्डू पे मामला शुरू हो गया है, तिरुपति में आप देख रहे हैं, तो क्या लड्डू में कुछ शुगर ज्यादा हो गई है क्या, तो वो लड्डू राजनीतिक लड्डू फूट रहा है वहां। तो ये तमाम जो चीजें हैं इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियत जाहिर होती है। संजय जोशी अगर आते हैं बीजेपी में बड़ी पोजीशन पर, जाहिर है बड़ी पोजीशन पर ही आएंगे और अच्छे खासे दमखम के साथ आएंगे, आपको क्या लगता है किस तरह के फैसले वो लेने वाले हैं और किस तरह का काम, क्योंकि गुजरात में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था तो वो अब इतिहास हो चुका है, तो किस तरह से वापस गियरअप होना संजय जोशी के लिए आसान और मुश्किल होने वाला है। देखिए विजेता जी, अगर आप देखें संजय जोशी पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं और नरेंद्र मोदी से वो अगर अधिक नहीं है तो किसी भी कीमत पे वो नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। किसी भी एंगल से अगर आप उनको देखें, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो नागपुर के रहने वाले हैं, तमाम आरएसएस और गडकरी के यहाँ उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, आरएसएस की वो पहली पसंद है और उनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है। भले ही वो नेता आज स्वीकार ना करें लेकिन जैसे ही वो बनेंगे अगले दिन सब स्वीकार करने लगे। जिस शिवराज चौहान की चर्चा हो रही है कि उनका नाम आगे चल रहा है, उन शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका संजय जोशी जी की रही है। तो संजय जोशी जी कोई हल्के आदमी नहीं है, संजय जोशी के पार्टी की कमान संभालते ही सामने वालों का मोरल डाउन हो जाएगा और मुझे नहीं लगता संजय जोशी को कुछ करना पड़ेगा। संजय जोशी के आते ही ये लोग अपना बिस्तर बोरिया समेटने लगेंगे
और इनकी चला चली की बेला उसी टाइम शुरू हो जाएगी जिस दिन संजय जोशी अपना जो है पद संभालेंगे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। हर एक का समय आता है, आज मुझे लगता है कि उनका जो 14 साल का वनवास था वो वनवास खत्म हो चुका है और अब वो गद्दी अपनी वापस संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, गद्दी वापस संभालने जा रहे, तो क्या बड़े फैसले वो लेंगे? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि कई लोग तो अपना बिस्तर खुद ही बांध करके चल देंगे, लेकिन बांधा नहीं तो क्या संजय जोशी इनके ऊपर अपना कोई चलाएंगे कि पता चलेगा कि देखने को तस्वीर मिलेगी कि एक एक करके जैसे कोई एक नया मतलब कोई बड़ा मुखिया आ जाता तो अपनी पूरी पूरी नई टीम ले आता है। जैसा मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि क्या मंत्रियों के चेहरे बदल जाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा फिर? देखिए विनीता जी, सबसे पहले इस तरह की चीजों में होता है कि सामने वाले का मोरल डाउन किस प्रकार से होता है। अब आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने से किस प्रकार से मोदी जी का चाहे चेहरा हो, चाहे अमित शाह का चेहरा हो, बाकी चाहे इनके तमाम मंत्रियों के चेहरे हो, जो चमक 4 जून से पहले थी चेहरे के ऊपर, वो चमक नहीं है। और अगर इस तरह के फैसले होंगे तो इनका खुद ही मोरल डाउन हो जाएगा और इनको भी पता है कि जाना ही पड़ेगा, रुकने का कोई मतलब है नहीं। एक तो ये होता है कि धक्के मार के निकाला जाए और एक ये होता है कि सम्मान के साथ खुद ही चले जाए, तो वो तो इन्हीं को तय करना है, क्योंकि साथ में तो गाड़ी चलने वाली है नहीं। क्योंकि मैं आपको एक वाक्य भी बता देता हूं, जो मुझे खुद संजय जोशी जी के साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, बातचीत भी हुई थी, और 2017 का ये वाक्य है। लगभग बात हो गई थी मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा उनका वार्तालाप भी हुआ था और लंच भी उन्होंने साथ में किया था, और ये हुआ था कि मामला ठीक हो जाएगा, पुराने जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन 2017 से आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, कहीं वो समझौता, कहीं वो नाराजगी, कहीं वो तलखी खत्म होती तो नहीं दिखी है। तो जब तलखी खत्म नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो तलखी बनी हुई है और वो तलखी का असर आपको दिखेगा, ये भी जाहिर है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर संजय जोशी आएंगे वो कड़े फैसले भी लेंगे। आपने कौन से साल की बात बताई, माफ कीजिएगा? 2017 में ये बात हुई थी और 2017 में मुलाकात भी हुई थी संजय जोशी जी की मोदी जी से, और लंच भी उन्होंने साथ में किया था, और बात ये हुई थी कि अब जो है पुराने गिले शिकवे ठीक होने जा रहे, लेकिन वो हुए नहीं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें। तो एक बार ऑलरेडी इस युद्ध की शांति की कोशिश की जा चुकी है, तो अब की बार जो मुलाकात होगी कई बार तो वार के लिए होने वाली है? नहीं विनीता जी, ये तो मेरी जानकारी में है जो एक बार हुआ है 17 में, ये तो मुझे नहीं लगता और कितने ज्यादा लोगों को पता होगा, ये तो मेरी जानकारी में है और एक एक चीज जानकारी में है। जब मैंने आपको यहां तक बता दिया कि लंच भी साथ में हुआ है, तो हो सकता है इसके बाद भी प्रयास हुआ हो, लेकिन वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हुआ नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मोदी जी के जो डिक्शनरी है उसमें माफी का और उसमें माफ करने का कॉलम है ही नहीं। मोदी जी की जिसके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी है। संजय जोशी ने ऐसी कौन सी गलती, संजय जोशी माफी मांगनी पड़े मोदी? संजय नहीं, नहीं संजय जोशी ने माफी नहीं मांगी है, ना संजय जोशी ने कोई इस तरह की गलती की है कि वो माफी मांगे, माफी की बात नहीं है। देखिए सब, अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, और ये लोग साथ में लंबे समय तक गुजरात में काम कर रहे थे, गुजरात में जब ये काम कर रहे थे तो मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे और ये दिल्ली आ गए थे, उस बीच इनकी तलखी बढ़ गई थी। अब और डिटेल में उस समय की जानकारी मुझे नहीं है कि किस वजह से तलखी आई थी, लेकिन तलखी अच्छी खासी आ गई थी, और फिर संजय जोशी को दिल्ली में ला के मुख्य महासचिव बनाया था और ये वहां पर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शांति से नहीं बैठे, और आपको याद होगा उस दौरान वो सीढ़ी कांड हुआ था, उससे तलखी बढ़ी थी और वो तलखी आज तक बढ़ी हुई है। और बाद में आपको ये भी याद होगा कि जो सीढ़ी बनी थी वो बाद में फर्जी सीढ़ी साबित हुई थी, किसने बनवाई थी, कहां से आई थी, ये तमाम बातें साफ हो गई थी। तो माफी मांगने का काम संजय जोशी का नहीं, माफी तो जिसने बनवाई थी उसको मांगनी चाहिए। संजय जोशी किस बात की माफी मांगे? जी जी जी, संजय जोशी किस चीज, लेकिन 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 उसके बाद बड़ा दिल दिखाते हुए संजय जोशी जी उनके घर पे प्रधानमंत्री आवास में लंच करने गए और वो पुराने गिले शिकवे खत्म करने के लिए गए, तो ये संजय जोशी का बड़ा दिल है जो उन्होंने दिखाया, अपने बड़े दिल को दिखाया, और फिर भी वो पीछे हटने को तैयार हो गए। लेकिन तब भी इन्होंने उनको समझौता नहीं किया, या एक हिसाब से ये कहें कि
तब भी वो तलखी खत्म करने की कोशिश मोदी जी की तरफ से नहीं हुई, तो अगर नहीं हुई तो उसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ेगा। और संजय जोशी पद पे बैठ के इनके लिए कोई बहुत अच्छा करेंगे इसकी आशा भी कैसे की जा सकती है? संजय जोशी का जो वनवास बीता है ये पिछले डेढ़ दशक का, इसमें क्या क्या उन्होंने झेला है इसकी जानकारी क्या किसी को है? कहाँ वो रहे हैं, कैसे उन्होंने समय बिताया है, वो किन किन लोगों से मिले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में कितने उनके शुभचिंतक हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आज मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में 70% लोग संजय जोशी के शुभचिंतक हैं। आज आरएसएस में 90% लोग संजय जोशी के शुभचिंतक हैं। तो संजय जोशी को कौन रोकेगा? क्यों उनके इतने शुभचिंतक क्यों है? इसलिए कि लोग नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं या फिर वो संजय जोशी को ज्यादा पसंद करते हैं? संजय जोशी पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं, इसलिए उनको करते हैं। और दूसरा एक सिंपैथी संजय जोशी के साथ है कि उनके कैरियर को तबाह करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया उससे कहीं ना कहीं संजय जोशी के साथ लोग खड़े हुए हैं। और इनकी कार्यप्रणाली जो तमाम कार्यप्रणाली थी वो सबके सामने आ चुकी है, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी है इसलिए वो संजय जोशी के साथ खड़े हुए हैं। और जब संजय जोशी पावर में आएंगे जो बचे कुछ लोग हैं वो भी इनके दरबार में पेश हो जाएंगे, अपने आप ही पेश हो जाएंगे, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं खासकर राजनीतिक दल में जो पावर देखते ही तुरंत भाग जाते हैं उधर। तो भारतीय जनता पार्टी के 98% लोग उसी दिन इनके साथ खड़े हो जाएंगे जिस दिन ये पद संभालेंगे। आज तो 70% है, वो 98 पहुंचने में देर नहीं लगेगी इनके साथ जाने। और ये जो दो लोग हैं दो ही रह जाएंगे, क्योंकि इनके साथ आप मुझे बताइए तीसरा नाम बता दीजिए मोदी शाह के अलावा कि ये इनके साथ जो है अगर इनको कोई भी सजा मिलेगी या कुछ भी कुछ होगा वो इनके साथ खड़े रहेंगे, तीसरे व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए जानकारी करते हुए बताइए, और नेता का नाम बताइए, ये इनका नाम मत बता दीजिए कि हरदीप पुरी जी खड़े होंगे, अश्नवी वैष्णव जी खड़े होंगे, धरातल पे जीरो है, ये चार वोट नहीं है इन लोगों के, इनको छोड़ दीजिए आप। मुझे वो बताइए कि राजनाथ जी इनके साथ खड़े होंगे, शिवराज चौहान इनके साथ खड़े होंगे, जो लोकसभा का चुनाव 10 बार 6 बार 8 बार जीत के वो इनके साथ खड़े होंगे? हरदीप पुरी और अश्वनी वैष्णव को दोष देंगे कैसे इसके लिए, क्योंकि पिछले 10 साल में नहीं दोष देने की बात नहीं, मोदी ने चेहरे ही ऐसे चुने हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है और जिनकी जमीन नहीं दिया है, तो ये तो राजनीतिक था ना विनीता जी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो असली पिलर है वो 70% आज भी संजय जोशी के साथ है, और जिस दिन संजय जोशी के पास पावर आएगी उस दिन 98% हो जाएंगे। मैं तो 2% में गिन रहा हूं ना इन लोगों को, और ये खड़े हो सकते हैं मोदी जी के साथ, लेकिन धरातल पे तो है नहीं ना ये, तो भारतीय जनता पार्टी में इनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं, ये तो राज्यसभा से आए हैं, इनको चार वोट तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इनके साथ खड़ा कौन है। मैंने आप ही से नाम पूछा, आप ही बता दीजिए कि जो आपको लगता हो हार्डकोर कोई पॉलिटिशियन है या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में, अगर इनके साथ कल को हेमंत तो शर्मा खड़े हो जाए वो एक अलग बात है, अगर इनके साथ वो महाराष्ट्र के जो शिंदे हैं जो अभी मुख्यमंत्री वो इनके साथ खड़े हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर उनको भी राजनीति करनी होगी वो भी उधर मुंह कर लेंगे जब उनको लगेगा इनकी तो विदाई हो रही है। विदाई में आपके साथ कोई नहीं आते, उनके साथ नहीं आए थे वाल्मीकि जी के साथ, उनका परिवार नहीं आया था जबकि सारा कुछ लूट के वाल्मीकि जी घर पे देते थे, तो कोई नहीं आता बुरे वक्त में आपके साथ। और वो जो फॉर्मूला मैं हमेशा आपके चैनल पे बाकी जगहों पे भी कहता हूं कि जब आपका समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है, तो आपका समय खराब शुरू हो चुका, तो कोई बचाने आपको नहीं आएगा, हो गया बहुत अच्छा समय 10 साल आपका बीता, अब जरूरी नहीं है कि लगातार ये समय चलता रहे, समय बदलाव होगा। इतनी खबर आपके पास है तो ये भी तो खबर होगी ना कि अगर संजय जोशी आते हैं मजबूत ताकत में तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे तो उनके ऑप्शन में कौन चेहरे हो सकते हैं? देखिए विनीता जी ये दूर की बात है, जब एक चीज बदलेगी तो तमाम, जब आप नया घर लेंगे घर में सफाई करेंगे तो कई सारी चीजें आप बदलेंगे, उसमें आपसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर तय करेंगे, और मुझे लगता है उसमें प्रमुख चेहरों में गडकरी भी हो सकते हैं, शिवराज चौहान भी हो सकते हैं, बाकी और कई लोग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चेहरों की कमी नहीं है, राजनाथ भी हो सकते हैं,
दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह देखना होगा कि हमें ऐसा चेहरा आगे लाना पड़ेगा जिसके साथ एनडीए के नए और पुराने साथी कंधे से कंधा मिला के चल सके। आपके जो पुराने साथी चले गए हैं शिवसेना जैसे जो मेन शिवसेना है, या चाहे वो अकाली दल हो, भले उनके पास आज एक सीट ना हो, जो आपके पुराने साथी हैं वो भी आपके साथ आ सके और नए एलाइज भी एनडीए में आ सके, ऐसे चेहरे को आगे करना होगा और उसी को प्रधानमंत्री बनाना होगा अगर 27 तक हमें सरकार चलानी है 29 तक। तो इसलिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो नई भारतीय जनता पार्टी होगी वो ऐसे चेहरे को आगे लेके आए। और अगर आप एक एक चेहरे पर डिस्कशन करें, एक एक चेहरे की बात करें, तो मुझे तो लगता नहीं कि गडकरी के चेहरे पर ममता बनर्जी को कोई नाराजगी होगी। मुझे तो नहीं लगता शरद पवार को गडकरी के नाम पे कोई नाराजगी होगी। मुझे तो नहीं लगता शिवसेना को या अकाली दल को गडकरी के नाम पे कोई नाराजगी होगी। तो इसमें नए एलाइज आ सकते हैं, इसमें तो पहले भी लोग आए, ऐसा तो है नहीं कि पहले लोग आए नहीं। नीतीश कुमार भी थे इनके साथ पुरानी एनडीए पर, वाजपेयी जी के साथ, चंद्रबाबू नायडू भी थे, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है, संघ भी ये बात समझ चुका है कि आज जो रोज धमकी दे रहे हैं चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो इनकी भी कमजोरियां हैं, इसलिए इनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हम इनकी जगह कोई नया चेहरा साफ सुथरा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एलाइज भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे और ये सरकार लंबी चलेगी। और आरएसएस के जो अपने एजेंडे हैं, आरएसएस के जो अपने काम है, जो देश हित के काम है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ा पाएगा। इस रणनीति पे आरएसएस चल रही है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही है। संजय जोशी में एकाएक कोई फूल लटकने लगे हैं, संजय जोशी जो है देवता धरती पर उतर आए हैं, इसलिए नहीं भाई आरएसएस मरी जा रही है संजय जोशी को लाने के लिए। संजय जोशी एक काबिल नेता है और इस बिगड़े हुए खेत को वो संवार सकते हैं, निराई गुड़ाई हल चला के इसको बढ़िया तरीके से बीज बो सकते हैं, अच्छे किसान वो है राजनीतिक रूप से, इसलिए उनको आगे लाने की बात की जा रही है। कोई इसलिए नहीं कि संजय जोशी जी का चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए ला रहे हैं उनको, वहां कमी नहीं है लोगों की लाने की। लेकिन पिछले इतने सालों में कोप भवन में रहे हैं या थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहे हैं कहीं पर कुछ? लगातार पर्दे के पीछे से वो एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50% लोगों के वो टच में है और लगातार इन्होंने उनको सर्विलांस पे रखा है। उनके घर के सामने 5-5 सीसीटीवी हमेशा लगे रहे हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी पे इनकी नजर है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों में आज भी उनकी पैठ है और तमाम लोग उनसे चर्चाएं करते रहे। यहां तक मैं जानकारी आपको चैनल पे दे दूं, इससे ज्यादा उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, इनके लिए लो प्रोफाइल मूवमेंट करते हैं वो काफी, बिल्कुल अकेले कहीं जाते हैं, मंदिर दर्शन करने जाएं जहाँ वो रह रहे हैं, काफी लो प्रोफाइल मोड में रह रहे हैं। आसपास तो बहुत लोग को ये भी जानते हैं, विनीता जी, विनीता जी से व्यक्ति इतने बड़े ताकत है, विनीता जी वो इसलिए है क्योंकि वो संघ में लंबे समय तक रहे हैं और संघ के जो व्यक्ति होते हैं पहली ट्रेनिंग उनकी इसी चीज को लेके होती है कि बिल्कुल साधारण तरीके से रहा जाए और साधारण तरीके से उनका पहनावा रहना खान पीन सब साधारण तरीके से होता है। बहुत लोगों को सम्मान देते हैं, मेरी तो लगातार उनसे मुलाकातें होती है और अगर आज भी आप देखेंगे उनसे मिलेंगे तो वो घर के बाहर अपने लोगों से मिलते हैं, पार्क में उनकी कुर्सियां पड़ी रहती है, सब लोग जाके अपना चुपचाप बैठ जाइए, वो एक एक आदमी से बात करते हैं जाके, जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उठते नहीं है, आपकी सारी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि सबका समाधान किया जाए। उनके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाता जिसकी वो बात ना सुने। कई बार 500 आदमी भी होते हैं, 1000 आदमी भी होते हैं, 200 आदमी भी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि 200-500 आदमी से कम रोज उनके घर पे आदमी नहीं आते होंगे। इस 10 साल में भी जब आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अकेले थे या कहीं दिखते नहीं थे, तब भी उनके घर पे 500 लोग डेली आते थे, आप सोचिए। और उन 500 लोगों को चाय पिलाना, उन 500 लोगों को नाश्ता कराना, कहां से व्यवस्था कर रहे थे, इस पे भी आपको विचार करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल विचार तो संजय जो उनके खुद के पास ड्राइवर को देने के पैसे नहीं रहे इस बीच में जी, तो संजय जोशी के इतने समर्थक हैं जो चंदा इकट्ठा करके अपनी नौकरी दांव पे लगा के, अपने व्यापार को दांव पे लगा के आज भी पिछले 20 साल से उनके साथ खड़े हैं, ऐसे लोग भी संजय जोशी जी के पास हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, अगर वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो पर्दे के पीछे से संजय जोशी की मदद करते हैं। और संजय जोशी जी के पास अगर चले जाएं जो नेता है,
मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे तो संजय जोशी जी फोन करते थे, ये फलाने आदमी आ रहे हैं, इनकी आपको मदद करनी है। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे तब उनको ये फोन करते थे। आज भी जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं जो संजय जोशी जी के गुड बुक में है, सीधा फोन करते हैं। गडकरी जी के यहाँ पे 20% काम आज भी संजय जोशी के लोगों का होता है। अगर संजय जोशी का नाम कोई झूठ लेके ही गडकरी के यहाँ पहुंच जाए तो सबसे पहले उसका काम होगा। ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम बोलना यहाँ ठीक नहीं होगा, कल से उनको तकलीफ हो जाए। इन लोगों को मोदी जी के लिए डर नहीं लगता है? नहीं, उनके कोई ऐसे काम नहीं होते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा बिजनेस का काम है कुछ है, वो छोटी किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की कोई मदद करनी है, किसी का कोई हेल्प करना है। संजय जोशी को किसी का अड़ानी का बिजनेस तो सेट कराना नहीं है, या कोई नए बिजनेसमैन को धंधा तो दिलवाना नहीं है, दलाली तो करनी नहीं है। तो उनके पास सामाजिक कार्य वाले लोग आते हैं, किसी की नौकरी लगानी है, किसी को कोई बीमार है उसको कोई फंड की व्यवस्था करनी है, कहीं हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना है, इस तरह किसी की लड़की की शादी है उसमें कोई सरकारी मदद करनी है, उस तरह के काम वो कराते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए भेजते हैं, कोई वो बिजनेस के लिए थोड़ी भेजते हैं किसी को। जी एक सवाल ये है कि संजय जोशी लोग, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को बीट अप करके, मतलब कोई आगे आता है संस्था में इनके, तो वो व्यक्ति का हिंदुत्व और ये फूट डालो वाली जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, इसको लेकर के क्या सोच विचार है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह इसी ब्रांडिंग पर बनाई थी, तो संजय जोशी के क्या विचार इस पर रहे हैं? देखिए विनीता जी, अगर आप देखें आरएसएस की जो पुरानी नीति है, आरएसएस का जो अपना तरीका है काम करने का, 100 साल से आरएसएस काम कर रही है, वो अपना काम करती है, अपनी लकीर लंबी खींचती है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो इस पर ध्यान नहीं देती है। संजय जोशी का अपना फंडा है कि अपना काम करो, मजबूत करो, अच्छा करो, सामने वाला क्या कर रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पॉलिटिकल लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए आप एक लिमिट तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, जातियों में बांट दें, शाम धाम दंड भेद करें, एजेंसियों को पीछे लगा दें, इतना नीचे तक ना संजय जोशी गिरेंगे ना कोई और गिरेगा। मैं यहाँ अगर आप देखेंगे 2014 से पहले ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस इस तरह के काम नहीं करती थी, कांग्रेस भी सीबीआई का प्रयोग करती थी, ईडी का प्रयोग करती थी, लेकिन एक हद तक करती थी, इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तो ये चीजें आगे नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप आटे में नमक करिए, लेकिन आप नमक में ही एक मुट्ठी आटा डाल देंगे तो क्या होगा? तो ये चीजें बंद नहीं होंगी, ये तरीके से होंगी। संजय जोशी जी बहुत साफ सुथरा काम करेंगे, बड़ी आशाएं लोगों को उनसे हैं, बाकी तो जब वो आएंगे काम शुरू करेंगे तभी दिखाई देगा और तभी पता भी चलेगा। जी उनके मोहन भागवत से कैसे रिश्ते हैं? ये तो आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अगर मोहन भागवत जी से उनके अच्छे रिश्ते हैं तभी तो उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय महासचिव के लिए आया होगा आरएसएस की तरफ से। अगर उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते तो आप क्या कहेंगे कि उनका नाम आगे आता? बहुत अच्छे नहीं, बहुत जबरदस्त रिश्ते उनके हैं। इसीलिए क्या मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के दिए हुए ऑफर में एसएल की अपग्रेडेशन सिक्योरिटी की ठुकरा दी, क्योंकि संजय जोशी के लिए बैटिंग करनी है उनको? नहीं, उसमें देखिए आप विनीता जी, आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आपने तमाम मंत्रालय तमाम बीच भी कवर किए, आपको ये जानना चाहिए। सिक्योरिटी की मना तो शरद पवार ने भी कर दी थी, सिक्योरिटी आपको किस लिए दी जाती है? वहां पर सिक्योरिटी कम और आपकी जासूसी ज्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया उसको। उनको तमाम जगह जाना है, किन लोगों को आपसे मिलने आना है, आप किन से बात कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है कि नहीं जाना है। जेड प्लस तो पहले ही है, इससे ज्यादा क्या जासूसी की जा सकती है? नहीं, फिर भी उनको उनको एक लिमिटेशन उसमें रहती है, इसमें लिमिट खत्म हो जाती है आपकी, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इस तरह का इसमें माना जाता है। सिक्योरिटी में बचने की कोशिश है, जितना बच सकते हैं बच रहे हैं वो। अब जहां आप जबरदस्ती ही बांध लेंगे आप तो क्या करेंगे फिर? वो तो जेड प्लस भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरे, अगर हम दूसरे एंगल से देखें, आरएसएस का प्रमुख होने के नाते और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार से आरएसएस काम कर रही है, उससे खतरा तो है ही उनको। जिस तरह से हमारे देश में, कश्मीर में, पाकिस्तान में आतंकवाद की हम बात करते हैं, तो ऐसे में एक इतने बड़े हिंदू संगठन के प्रमुख को कहीं ना कहीं खतरा तो है ही, तो सिक्योरिटी भी जरूरी है।
इसलिए उन्होंने वो सिक्योरिटी रखी है, लेकिन सिक्योरिटी की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वो आपके बेडरूम में घुसी रहे, वो आपके खाने में भी घुसी रहे, ये इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए ना उनको। तो संघ के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, चाहे उसमें संजय जोशी हो चाहे मोहन भागवत जी हो। तो इनका अपना एक सिंपल नजरिया है, सोचने का, रहने का एक तरीका है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। अगर आप देखेंगे सारे काम खुद करते हैं, अगर आपको मौका कभी मिले झंडे वाला देखिए जाके, ये खुद सारा काम करते हैं, खाना तक ये लोग खुद बनाते हैं। ये तो इनका कोई अपना परिवार है नहीं, संजय जोशी का कोई ना बच्चे हैं ना बीवी है, तो असली तो जीवन उन्हीं का है, साधुवाद का जीवन तो वही जी रहे हैं, तो वो क्यों दखल चाहेंगे किसी का। अगर दखल अंदाजी उनको करनी तो फिर तो परिवार बना लेते, तो उनकी कोशिश में रहे कि कितना बचा जाए कितना। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हालांकि एएसएल में उनको अपग्रेडेशन में चॉपर की सुविधा मिलने जा रही थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त कोई भी चांदी का चम्मच मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी से कम नहीं चाहिए। और जैसे रिश्ते उनके संजय जोशी के साथ है, तो यही वक्त है एक सही तलवार की धार का इस्तेमाल करने का, और वो संजय जोशी से ज्यादा तेज नहीं हो सकती है जो मोहन भागवत के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड डिस्कशन, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।